हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने सोचा कि हम डिनर में राइस खाने के बजाय आलू पराठा और चटनी बना के खाएंगे। तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हम आलू पराठा कैसे बनाते हैं। मुझे तो आता नहीं है, मेरी बहन बनाती है, मेरी दीदी बनाती है। तो वो कैसे बनाती है, क्या क्या डालती है, बहुत सिंपल वे से बनाती है, बहुत टेस्टी भी होता है। सो मैं दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। तैयार हो रहा है टमाटर चटनी के लिए सामग्रियां। तो यहाँ हमने 3 आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ टमाटर को रोस्ट कर रहे हैं दीदी के तरीके से, विच इज वर्किंग परफेक्टली आई गेस। थम्स अप, आप भी ऐसा कर सकते हैं। दिखा अपना थम्स अप। ये जुगाड़ वन, ये जुगाड़ टू। तो टमाटर चटनी के लिए मैं यूज करूंगी अदरक, लहसुन 5 कलियां लिया मैंने, फिर 6 मिर्ची और थोड़ा धनिया। ये है हमारे पराठे के अंदर घुसने वाला स्टफिंग्स का सामग्री। आलू बॉइल हो रहा है, आलू अंदर का स्टफिंग। आलू बॉइल्ड आलू हमने मैश कर दिया, उसके ऊपर हमने डाला चॉप्ड अनियन, फिर चॉप्ड चिली एंड देन धनिया। नमक डाल देना है अपना स्वाद अनुसार, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले आपको कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालना है, फिर जो हम लोगों ने मिक्स किया था वो डायरेक्ट डाल देना है। फिर मसाले डालने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, लेकिन बेसिक जो मसाले हैं वो है हल्दी, मिर्ची, नमक। जो फर्स्ट वाला टेक्निक काफ़ी लोग अगर नहीं कर पाते हैं, तो एक बेस का रोटी नीचे रखो, उसके अंदर स्टफिंग भरो, दूसरा बेस रोटी ऐसे ऊपर साइड साइड को से सील कर दो अच्छे से, फिर ऊपर से थोड़ा प्रेस कर दो ताकि बैलेंस हो जाए। उसके बाद इजीली आप इसको दोनों तरफ से प्रेस करना, हाँ दोनों तरफ से इवनली प्रेस कर देना है, ताकि इसके बाद आप इजीली इसको रोल कर सको। इतना पराठा बन चुका है पूरा घी के साथ, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो हमारा पराठा ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, सारे ख़त्म। तो हमारा पराठा ऑलमोस्ट रेडी है, अभी हम अपना डिनर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस प्रोसेस में हमारे बनाने में मज़ा आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।